पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का अध्ययन करेंगे और अभिव्यंजनावाद को अंग्रेजी में एक्सप्रेशनिज्म कहा जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जितनी भी अवधारणाएं हैं, चूंकि उनका विकास अंग्रेजी भाषा में हुआ है और हम उनका हिंदी में अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, क्योंकि यह हिंदी में अनुवाद के माध्यम से आया है और यह टॉपिक थोड़ा पिछले जो भी टॉपिक्स मैंने डील किए हैं उससे अलग हटकर है, इसलिए मैंने प्रयास किया कि ब्रैकेट में आप लोगों को उनके अंग्रेजी पर्याय भी दे दो। परीक्षा में जब भी आप उत्तर लिखते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि बिंदुवार उत्तर लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। तो इसलिए आइए बिंदुवार अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर में लिखना होता है प्रस्तावना, और यदि इस टॉपिक को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आने वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर भी आप दे पाएंगे, क्योंकि मैंने सभी बिंदुओं को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा है चेतना तथा उसकी क्रियाएं, कॉन्शियसनेस एंड इट्स फंक्शंस। फिर अभिव्यंजना सिद्धांत, इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे, एक्सप्रेशन थियरी। इसके बाद संवेदन और सहजानुभूति। संवेदन क्या होते हैं? सेंसेशंस होते हैं, और सहजानुभूति मतलब होता है इंट्यूशन। सेंसेशन मतलब होते हैं हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, त्वचा, आंख, नाक, कान और जीभ। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जिन संवेदनों को ग्रहण करते हैं सेंसेशंस को, उसे कहते हैं संवेदन। और सहजानुभूति मतलब होता है इंट्यूशन, जिन चीजों को हम स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, मतलब महसूस करते हैं, जैसे ठंडी हवा अचानक हमको छूकर चली जाती है, तो यह होता है सहजानुभूति। इसके बाद दूसरा है, यह अभिव्यंजना सिद्धांत के अंतर्गत इन तीन बिंदुओं का हमको अध्ययन करना है। पहला है संवेदन और सहजानुभूति, दूसरा है सहजानुभूति, अभिव्यंजना तथा अभिव्यक्ति। सहजानुभूति को बोलते हैं इंट्यूशन, अभिव्यंजना को बोलते हैं एक्सप्रेशन, और अभिव्यक्ति को भी बोलते हैं एक्सप्रेशन। आगे हम अध्ययन करेंगे कि अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति में क्या अंतर होता है क्रोचे के अनुसार। इसके बाद जो कला सृजन की प्रक्रिया, आर्ट मेकिंग प्रोसेस, किसी भी कविता को लिखने की क्या प्रक्रिया होती है, किसी चित्र को बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, किसी कलाकृति के निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है, कला के सृजन की जो प्रक्रिया होती है मेकिंग, आर्ट मेकिंग प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अभिव्यंजना सिद्धांत, कुछ संबंध मान्यताएं। अभिव्यंजना सिद्धांत के आधार पर क्रोचे ने कुछ अलग अलग मान्यताओं का वर्णन किया है, उनकी व्याख्या की है, जैसे सहजानुभूति और कला, इंट्यूशन और आर्ट में क्या संबंध है, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए अभिव्यंजना सिद्धांत के अनुसार, और अभिव्यंजना की अखंडता, इंटेग्रिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अखंडता मतलब जो अखंड है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद अभिव्यंजना समीक्षा पद्धति, एक्सप्रेशनिस्ट क्रिटिक मेथड। अभिव्यंजना के आधार पर, अभिव्यंजना सिद्धांत के आधार पर किसी कृति की आलोचना कैसी होनी चाहिए। इसके बाद हम अभिव्यंजना सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे कि अभिव्यंजना सिद्धांत की अच्छी बातें कौन सी है और उसमें क्या कमी रह गई है। इसके बाद हम देखेंगे अभिव्यंजना तथा वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति सिद्धांत जो होता है कुंतक का, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद के साथ इसकी तुलना की है, और अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा है, विलायती संस्करण कहा है, इंग्लिश एडिशन या फिर वेस्टर्न एडिशन कहा है, तो हम यह देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ अभिव्यंजना सिद्धांत में क्या साम्य है, क्या समानता है, और वैषम्य क्या है, असमानता क्या है, और अंत में लिखेंगे उपसंहार। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरे एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रस्तावना, साहित्यलोचन। साहित्यलोचन मतलब क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अभिव्यंजनावाद की बहुत चर्चा होती है, किंतु इसके प्रवर्तक बेनेडिटो क्रोचे, 1866 में इनका जन्म हुआ था और 1952 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये वास्तव में कोई साहित्य शास्त्री नहीं थे, कोई लिटरेरी आर्टिस्ट नहीं थे, साहित्य शास्त्री नहीं थे। इनका मुख्य सरोकार दर्शन तथा सौंदर्य शास्त्र से था। सौंदर्य शास्त्र मतलब जो चीजों के सौंदर्य का जो पता लगाते हैं, और उनका मुख्य सरोकार क्या था, दर्शन और सौंदर्य शास्त्र से था। उनका जन्म सन 1866 में इटली के नेपल्स शहर में हुआ।
बचपन में धर्म से इनकी आस्था उठ गई थी, मतलब ये बचपन में नास्तिक हो गए थे, ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं था, धर्म पर कोई विश्वास नहीं था इनका। किंतु इन्होंने अपनी आत्मकथा में दिखलाया है कि रोम विश्वविद्यालय में राजनीति, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र और दर्शन का अध्ययन करते हुए इनकी आस्था किस प्रकार लौटी और किस प्रकार इनके विचार क्रमशः अमूर्तता, अमूर्तता मतलब एब्स्ट्रैक्शन, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको बोलते हैं अमूर्त, जैसे ईश्वर अमूर्त होता है, और आत्मपरकता, सब्जेक्टिविटी की ओर बढ़ते गए। आत्मपरकता मतलब अपनी आत्मा का बोध, अपना आंतरिक बोध, यहां तक कि अंत में जाकर यह बाह्य जगत को पूर्ण निरर्थक मानते हुए चेतना या कॉन्शियसनेस को ही परम सत्य मानने लगे। वह मार्क्सवाद के उत्थान का समय था। आपको मालूम है कि मार्क्सवाद जो होता है वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, मार्क्सवादी नास्तिक होते हैं, है ना, मार्क्स स्वयं नास्तिक थे। तो वैसे ही जब रोम विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो दोबारा इनकी आस्था ईश्वर पर जागी और ये ईश्वर पर विश्वास करने लगे और अमूर्तता और आत्मपरकता की ओर ये बढ़ गए। और यह समय क्या था, मार्क्सवाद के उत्थान का समय था। लेकिन ये अतिवादी हो गए थे, बाद में इन्होंने बाह्य जगत को पूरी तरह से निरर्थक मान लिया, जो संसार है इसको उन्होंने पूरी तरह से निरर्थक मान लिया और चेतना को ही परम सत्य मानने लगे। जैसे प्लेटो भी मानते थे, इनको बोलते हैं आइडियलिस्ट ना, प्रत्ययवादी या आदर्शवादी। क्रोचे ने मार्क्स की वस्तुवादी, ऑब्जेक्टिविस्ट मतलब भौतिकवादी दृष्टि का भी विरोध किया। वस्तुवादी दृष्टिकोण पूरे संसार पर ज्यादा भरोसा करते हैं, इनका इनकी आस्था संसार के ऊपर होती है, जो दृश्यमान जगत है, जो हमारे आसपास का संसार है, मतलब भौतिकवादी होते हैं, वस्तुवादी। तो इन्होंने इसकी दृष्टि का विरोध किया। इनके अनुसार मानव जीवन की सारी क्रियाएं मूलतः चेतना के स्तर पर ही होती है। क्रोचे के अनुसार मानव की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे वास्तव में मानसिक स्तर पर होती हैं, चेतना के स्तर पर होती हैं, कॉन्शियसनेस के स्तर पर होती हैं। कला का सृजन भी चेतना के स्तर पर भी प्रारंभ होकर समाप्त हो जाता है। मतलब कोई कला हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती है, हमारी चेतना में जन्म लेती है, वहीं पर पूर्ण होकर समाप्त हो जाती है। मतलब जैसे कोई कविता है, वह कविता हमारे दिमाग में ही जन्म लेती है, मस्तिष्क में ही जन्म लेती है और मस्तिष्क में ही पूरी होकर समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही इन्होंने अभिव्यंजना या फिर एक्सप्रेशन का नाम दिया है। तो इसी प्रक्रिया को कि कला मानव के चेतना में जन्म लेती है, चेतना में ही पूर्णता प्राप्त करती है, इसे ही इन्होंने अभिव्यंजना का नाम दिया है। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्रोचे के चेतना तथा चेतना मतलब होता है कॉन्शियसनेस, अभिव्यंजना मतलब होता है एक्सप्रेशन। क्रोचे के चेतना तथा अभिव्यंजना संबंधी विचारों पर आगे विस्तार से वर्णन किया जाएगा। समय समय पर मान्यताओं में कुछ परिवर्तनों के बावजूद क्रोचे की यह प्रत्ययवादी आइडियलिस्टिक या आत्मवादी दृष्टि अंत तक बनी रही। समय समय पर उनकी मान्यताओं में, उनकी अवधारणाओं में कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन जीवन के अंतिम समय तक इनकी जो प्रत्ययवादी विचारधारा है, आइडियलिस्टिक अप्रोच है या फिर आत्मवादी दृष्टि है, यह अंत तक बनी रही। मतलब जैसे प्लेटो के दृष्टिकोण, प्लेटो का दृष्टिकोण था, वैसा ही इनका भी दृष्टिकोण था। इन्हें हम प्रत्ययवादी या आत्मवादी या फिर आदर्शवादी कहते हैं। सन 1952 में अपनी मृत्यु तक क्रोचे बराबर गहन अध्ययन तथा लेखन में लीन रहे। दर्शन तथा सौंदर्य शास्त्र के अतिरिक्त ये इतिहास, तर्कशास्त्र आदि विषयों पर भी लिखते रहे। मतलब खाली दर्शन या फिर सौंदर्य शास्त्र के ही पर इनकी, मतलब ये केवल दर्शन और सौंदर्य शास्त्र का ही अध्ययन या फिर इनका इनके विषय में लेखन नहीं करते थे, बल्कि ये इतिहास, तर्कशास्त्र आदि विषयों पर भी लिखते थे। सन 1902 में इन्होंने ला कृतिका नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1900 में इन्होंने एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक नामक लेख लिखा। इन सारी बातों का वर्णन आपको अपने उत्तर में करना है, क्योंकि ये सभी अभिव्यंजनावाद से ही संबंधित है। सन 1902 में यह लेख भी एस्थेटिक शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। उन्होंने जो लेख लिखा था बाद में वह किताब के रूप में प्रकाशित हुई, उसका नाम था एस्थेटिक। उनके अभिव्यंजना सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्रेशनिज्म, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले इसी निबंध तथा पुस्तक में हुआ। क्रोचे का सौंदर्य शास्त्र संबंधी चिंतन निरंतर चलता रहा। सन 1912 में इन्होंने इसी विषय पर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इसके लिए भी एक लेख लिखा था
और कई भाषण भी दिए थे। सन 1920 में न्यू एसेज ऑफ एस्थेटिक शीर्षक से इनके सौंदर्य शास्त्री निबंधों का संग्रह प्रकाशित हुआ। अन्य विषयों के साथ ही सौंदर्य शास्त्र तथा साहित्य से जुड़े लेखन और भाषणों का क्रम इनके जीवन के अंत तक चलता रहा। मतलब ये भाषण देते रहे। सौंदर्य शास्त्र के संबंध में इन्होंने बहुत सारे भाषण दिए, सौंदर्य शास्त्र में, और बहुत सारा लेखन भी किया। सौंदर्य शास्त्र में अभिव्यंजनावाद को इनका सबसे महत्वपूर्ण अवदान माना जाता है, सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। सौंदर्य शास्त्र मतलब एस्थेटिसिज्म में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, सौंदर्य शास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह है अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म, इसे ही इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। किंतु अभिव्यंजनों को समझने के लिए हमें पहले इनकी चेतना संबंधी अवधारणा को समझना हो। अभिव्यंजना सिद्धांत को समझने के पहले चेतना के संबंध में इनके क्या विचार हैं, इसे समझना हमारे लिए जरूरी है। चेतना को बोलते हैं कॉन्शियसनेस और अभिव्यंजना को बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म। अभिव्यंजनावाद को चेतना तथा उसकी क्रियाएं, कॉन्शियसनेस एंड इट्स फंक्शंस, हमारी चेतना क्या क्या काम करती है। क्रोचे के अनुसार, क्रोचे बाह्य जगत की घटनाओं को महत्वहीन मानते हैं। उनके अनुसार मानव जीवन की तमाम क्रियाएं चेतना के स्तर पर ही होती हैं। मतलब हमारे बाहरी दुनिया में जो काम काज हो रहे हैं, जो गतिविधियां कर रहे हैं मनुष्य लोग, है ना, उनके अनुसार उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि चेतना में यह सारी क्रियाएं, जो भी क्रियाएं होती हैं हमारे, हमारी जो भी क्रियाएं हैं वो चेतना के स्तर पर होती हैं, मस्तिष्क के स्तर पर होती हैं। उनके समय में मार्क्सवादी विचारधारा भौतिकवाद की वकालत करते हुए बाह्य जगत और इसकी स्थितियों के सत्य को स्वीकार करने पर जोर दे रही थी, क्योंकि मार्क्सवादी जो विचारधारा है नास्तिकतावादी विचारधारा है, और उनका ईश्वर और धर्म इन सब चीजों में कोई आस्था नहीं है, है ना, धर्म को तो वो अफीम भी कहते हैं, इसलिए वो भौतिकवादी जो विचारधारा है वह प्रचलन में थी। मतलब जो बाहरी जगत है वही सत्य है, मतलब भौतिकतावादी उस पर स्वीकार करने में जोर दे रही थी। परंतु क्रोचे ने चेतना को परम सत्य मानते हुए जीवन व्यवहार में इसकी चार मूलभूत क्रियाओं का उल्लेख किया। परंतु क्रोचे का कहना क्या था कि यह जो भौतिकवादी जगत है यह मिथ्या है, और सच्चाई क्या है, चेतना ही चरम सत्य है, और हमारे जीवन व्यवहार में हम जिन जो भी क्रियाएं करते हैं उसे हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनमें से दो क्रियाएं सैद्धांतिक या ज्ञानप्रक हैं, थियोरेटिकल एक्शंस होते हैं। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, थ्योरी पहले पढ़ते हैं फिर उसका प्रैक्टिकल करते हैं, वैसे ही जो हमारी जिंदगी की जो क्रियाएं हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली क्रियाएं हैं सैद्धांतिक अथवा ज्ञानप्रक, इसे बोलते हैं थियोरेटिकल एक्शंस, और जो दूसरी क्रियाएं हैं व्यवहारिक क्रियाएं। व्यवहारिक क्रियाएं किसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल। व्यवहारिक क्रियाएं स्वेच्छाचालित, प्रैक्टिकल एक्शंस। मतलब पहले सिद्धांत का निर्माण होता है, फिर उस सिद्धांत के आधार पर उनको हम व्यवहार में लाते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यही है चार क्रियाएं। अर्थात चेतना की क्रियाओं को प्रारंभिक स्तर पर सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक क्रियाओं के रूप में विभाजित कर सकते हैं। हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारी चेतना के द्वारा संचालित होती हैं, हमारी चेतना के अंदर संचालित होती हैं, और इन क्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक। अब क्रोचे के अनुसार सैद्धांतिक क्रिया के दो उपविभाग हैं। क्रोचे के अनुसार जो थियोरेटिकल एक्शंस हैं उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है सहजानुभूति अभिव्यंजना, इंट्यूशन एक्सप्रेशंस, तथा दूसरा होता है अवधारणा, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट का निर्माण करना, किसी अवधारणा का निर्माण करना। और इसमें व्यवहारिक क्रियाओं के भी दो प्रकार होते हैं, प्रैक्टिकल एक्शंस के भी दो प्रकार होते हैं, सामान्य स्वेच्छाचालित क्रियाएं, नॉर्मल वॉलंटरी एक्शंस, जो सामान्य रूप से होती है। सामान्य रूप से होने वाली क्रियाएं कैसे होती है, जैसे कोई मच्छर आपको काट रहा है, आपको पता भी नहीं, आपका हाथ वहां पर चला जाता है और आप मच्छर को मार देते हैं, तो स्वेच्छाचालित क्रियाएं। और नैतिक क्रियाएं क्या होती है, मॉरल एक्शंस। मॉरल एक्शन मतलब कुछ करने के पहले आप सोचते हैं कि क्या जो मैं कर रहा हूं वह सामाजिक नैतिक मूल्यों के अनुरूप है, क्या मुझे इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और क्रोचे इन सभी क्रियाओं को समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। क्रोचे का कहना है कि इन जो चारों क्रियाएं जो चेतना के स्तर पर संचालित होती हैं, ये सभी क्रियाएं एक जैसी महत्वपूर्ण नहीं है। सहजानुभूति अभिव्यंजना इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इसी क्रम से नैतिक क्रियाएं सबसे कम महत्वपूर्ण। आइए अब इन क्रियाओं पर अलग अलग विचार करें। मतलब ये जो चार क्रियाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है
सहजानुभूति अभिव्यंजना और सबसे कम महत्वपूर्ण है नैतिक क्रियाएं। अब सहजानुभूति अभिव्यंजना इंट्यूशन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? यह चेतना की सबसे पहली और महत्वपूर्ण क्रिया है। मानव जीवन के सभी प्राथमिक अनुभव इसी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे मैं उदाहरण बताऊंगा तब आपको भली भांति समझ पाएंगे कि यह चेतना की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है और सभी प्राथमिक अनुभव इनिशियल स्टेज पर जो हम अनुभव करते हैं, जैसे ठंडी हवा का झोंका आपको छूकर चली गई, अचानक आप किसी चीज को देखते हैं, तो यह क्या है? सहज अनुभव है। मतलब हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, आंख, त्वचा, नाक, आंख, कान और जीभ, प्रारंभिक स्तर पर इनसे जो सेंसेस ग्रहण करते हैं, जो संवेदन ग्रहण करते हैं, वह इसके अंतर्गत आता है। वह चेतना के माध्यम से ही आता है। इस स्तर पर इसमें न तर्क का समावेश होता है, न बुद्धि का समावेश होता है। पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर जिन संवेदनों को, जिन सेंसेशंस को आप ग्रहण करते हैं, उस समय इसमें तर्क की कोई भूमिका नहीं होती, बुद्धि की कोई भूमिका नहीं होती, स्वाभाविक रूप से हम उसको महसूस करते हैं। क्रोचर ने उदाहरण देते हुए समझाया है कि किसी चित्र के रंग तथा रेखाएं या किसी गीत के स्वर हमारे मन में अनायास ही एक अनुभूति जगाते हैं। इस स्तर पर हम उन रंगों या रेखाओं या स्वरों का विश्लेषण नहीं करते, न इन कलाकृतियों के विषय वस्तु पर विचार करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। वह सब तो अवधारणाकरण की क्रिया के प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। मतलब जैसे अचानक कोई आपने चित्र देखा सरसरी तौर पर, जैसे आप किसी शहर से गुजर रहे हैं, दीवारों पर कुछ चित्र बने होते हैं जिसे कहते हैं ग्रेफिटी, उसको आपने अचानक देखा, उसको ध्यान नहीं दिया, हल्का सा देखकर चले गए। आप किसी फूल को देखे, आप छोटे से कुत्ते के पिल्ले को आपने देखा, तो अचानक से आपके मन में कोई अनुभूति नहीं जगती, सिर्फ आप उनको देख के निकल जाते हैं, उनका विश्लेषण नहीं करते कि यह कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है। तो आप जैसे कोई कलाकृति आपने देखा, कोई चित्र अचानक देखा और निकल गए, आपने ध्यान नहीं दिया कि क्या है, आदिवासी चित्रकला है ना, किस टाइप की चित्रकला है। तो यह सब पर जब आप ध्यान देना चालू करते हैं, तब तर्क और बुद्धि आपकी सक्रिय हो जाती है और एक कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। आप उन अवधारणाओं को समझने का प्रयास करते हैं। अचानक से आपके कान में कोई संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है, आप उसको सुन लेते हैं, आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, अचानक आपके कानों में पड़ गई, आप सुनते हुए निकल गए, आपने ध्यान भी नहीं दिया कि किसने गाया है, किसका संगीत हो सकता है। जब आप उस पर ध्यान देना चालू करते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? अवधारणाकरण की प्रक्रिया कही जाती है। यह सहजानुभूति ही कला का मूल तत्व है। तो अचानक से आप जिन संवेदनों को महसूस करते हैं, यही कला का मूल तत्व है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्यूशन। कला भी इसी स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है। चेतना के स्तर पर भी कला पूर्ण हो जाती है, जैसा हम अभिव्यंजना सिद्धांत की चर्चा के क्रम में आगे देखेंगे। इस अनुभूति में किसी प्रकार के आयास, मतलब प्रयत्न, श्रम या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अचानक से आप किसी चित्र को देखते हैं, ठंडी हवा का झोंका आपके शरीर को छू लेता है, तो इसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, अचानक से ये चीजें होती चली जाती हैं। इसलिए इस पर किसी बाहरी प्रभाव का रंग भी नहीं चढ़ता और इसलिए यह पूर्णतः यथार्थ होती है। तो इन सेंसेशंस को हम स्वाभाविक रूप से यथार्थ रूप से ग्रहण करते हैं, इन पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं होता। इस क्रिया को क्रोचे ने सहजानुभूति अभिव्यंजना कहा है, अर्थात सहजानुभूति तथा अभिव्यंजना को उन्होंने एक माना है। क्रोचे ने सहजानुभूति अर्थात इंट्यूशन और अभिव्यंजना एक्सप्रेशन दोनों को एक ही चीज माना है। उन्होंने सामान्य भाषा में ये दोनों शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वास्तव में आप शब्दकोश के आधार पर देखेंगे या सामान्य अर्थों में देखेंगे तो सहजानुभूति का अर्थ अलग होता है, अभिव्यंजना का अर्थ अलग होता है। किंतु क्रोचे ने कई शब्दों का सामान्य अर्थों में प्रयोग न करके अपने ही तरीके से इन्हें सामान्य से भिन्न अर्थ देते हैं। लेकिन क्रोचे क्या है, इन सामान्य शब्दों को भी उन्होंने अपना विशेष अर्थ दे दिया है। क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति अथवा इंट्यूशन सभी चेतन प्राणियों में होती है। इसकी सघनता अवश्य सभी में भिन्न भिन्न होती है। जो इंट्यूशन होता है, जो चेतन प्राणी है जिनमें कॉन्सियसनेस है, जैसे मनुष्य एक चेतन प्राणी है, तो सभी मनुष्यों के अंतर्गत यह सहजानुभूति होती है। लेकिन इसकी जो गहराई होती है, जो डेप्थ होता है, जो सघनता होती है, वह किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। मतलब एक ही चीज को देखकर एक व्यक्ति ज्यादा उसको देखकर इमोशनल भावुक हो जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति कम भावुक होता है, इस टाइप की बात है। अब अवधारणाकरण किसको बोलते हैं? यह सभी चेतना की चार क्रियाएं हैं। ये पहली दो क्रियाएं हैं ये सैद्धांतिक क्रियाएं हैं, थ्योरेटिकल एक्शंस हैं। हमने ऊपर देखा सहजानुभूति अभिव्यंजना, दूसरा है अवधारणाकरण।
कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की अवधारणा का निर्माण कैसे होता है, यह है थ्योरी, है ना, थ्योरेटिकल एक्शन है। चेतना की यह क्रिया पहली क्रिया के बाद ही संभव है। सहजानुभूति अभिव्यंजना अपने आप होने वाली निरायास बिना परिश्रम के होने वाली क्रिया है, किंतु अवधारणाकरण सोची समझी और सायास प्रयत्न पूर्वक होने वाली क्रिया है। यह तर्क पर आधारित होती है। चेतना तर्क के सहारे सहजानुभूतियों का विश्लेषण करती है और उनके आपसी संबंधों को समझती है। आपने देखा जो सहजानुभूति अभिव्यंजना है स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रिया है। ठंडी हवा का झोंका का मैंने आपको उदाहरण दिया, किसी चित्र को हमने देखा, किसी संगीत को हमने सुना अचानक, तो वह सहजानुभूति अभिव्यंजना है। लेकिन इसको देखने सुनने के बाद जब हमारी तर्क और बुद्धि के आधार पर हम जब उसका विश्लेषण करते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं अवधारणाकरण। मतलब दूसरे स्टेज में क्या होता है, हम अपनी तर्क और बुद्धि से काम लेना चालू करते हैं और जो चीज हमने देखा सुना महसूस किया उसका विश्लेषण करने लगते हैं, इसे कहते हैं अवधारणाकरण। तो चेतना तर्क के सहारे सहजानुभूतियों का विश्लेषण करती है, उनके आपसी संबंधों को समझती है। इस क्रिया के माध्यम से हम सहजानुभूति के स्तर से उठकर तर्क तथा बुद्धि के क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, सहजानुभूति से हम ऊपर उठ जाते हैं और दूसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां हम तर्क और बुद्धि के क्षेत्र में पहुंचते हैं और बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब तक यह जगत केवल हमारी अनुभूति का विषय रहा था, अवधारणाकरण के माध्यम से हम इसे समझने और विश्लेषित भी करने लगते हैं। मतलब जैसे हमने अचानक कोई चित्र को देखा, कुछ ध्यान नहीं दिया, तो वह क्या सहजानुभूति अभिव्यंजना होगी। लेकिन जब हम उसका विश्लेषण करने लगते हैं तर्क और बुद्धि के सहारे से, तो हम अवधारणाकरण करते हैं और भौतिक जगत में पहुंच जाते हैं, भौतिक जगत को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद तीसरा, सामान्य स्वेच्छा चालित क्रियाएं, नॉर्मल वॉलंटरी एक्शंस। चेतना की क्रियाओं में यह स्तर पहले दो स्तरों के बाद आ सकता है। पहले दो स्तर के बाद यह तीसरा स्तर है, यह होता है व्यवहारिक प्रैक्टिकल एक्शंस। ये क्रियाएं व्यवहारिक क्रियाओं प्रैक्टिकल एक्शंस के अंतर्गत आती है ना, तीसरी क्रिया है जो जीवन के मूलतः व्यवहारिक तथा उपयोगिता प्रधान पक्ष से जुड़ी होती है। आर्थिक क्रियाओं, व्यापार, व्यवसाय, जीविकोपार्जन आदि से संबंधित गतिविधियों में जीवन का यही पक्ष सक्रिय रहता है। अब सामान्य स्वेच्छा चलित क्रियाएं क्या है, पहले दो स्टेज के बाद जो तीसरा स्टेज होता है यह हमारी दुनियादारी से जुड़ा होता है, जिसमें हम हमारे जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं या फिर व्यवसाय हैं, जीविकोपार्जन है, तो इनसे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी गतिविधियां करते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य स्वेच्छा चालित क्रियाएं, नॉर्मल वॉलंटरी एक्शंस। इसके बाद होता है अनैतिक क्रियाएं। नैतिक क्रियाएं भी आती हैं प्रैक्टिकल एक्शंस के अंतर्गत। ये चेतना की सबसे अंतिम क्रियाएं होती हैं, जिनमें सामान्य जीवन के व्यवहार से उठकर विवेक, आदर्श तथा नैतिकता के भाव सक्रिय होते हैं। इन क्रियाओं का लक्ष्य चेतना के सच्चे स्वरूप का उद्घाटन होता है और यह चेतना के आध्यात्मिक स्तर से जुड़ी होती है। दर्शन, नीति शास्त्र तथा अध्यात्म से गहराई से संपृक्त या संबद्ध होने के नाते क्रोचे इन क्रियाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। मतलब नैतिक क्रियाएं कब होती है, सबसे पहले सहजानुभूति अभिव्यंजना होती है, उसके बाद हम अवधारणाकरण की स्टेज पर आते हैं, तीसरा स्टेज होता है सामान्य स्वेच्छा चलित क्रियाएं जो हमारी दैनिक जिंदगी जीवन यापन से जुड़ी होती है, और अंतिम जो स्टेज होता है वह नैतिक क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारे समाज के नैतिक जो मूल्य हैं, जो नैतिक मापदंड हैं, वह सभी लागू होते हैं और इस स्तर पर हम अपने विवेक से पूरी तरह काम लेते हैं और नैतिकता तथा आदर्श से जुड़े होते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं। क्योंकि यह सभी अध्यात्म और नैतिकता से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस चौथे चरण या चौथी क्रियाओं का क्रोचे क्या है उपेक्षा नहीं कर सके, यह क्रिया भी महत्वपूर्ण है। क्रोचे ने इन क्रियाओं में एक वरीयता क्रम देखा जो ऊपर दिए गए क्रम के अनुसार ही है। वरीयता क्रम मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर देखा, कौन सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे महत्व ज्यादा उन्होंने दिया सहजानुभूति अभिव्यंजना को, उससे थोड़ा कम महत्व दिया है अवधारणाकरण को, उससे थोड़ा कम महत्व दिया है हमारे सामान्य स्वेच्छा चालित क्रियाओं को, और सबसे कम महत्व दिया है उन्होंने नैतिक क्रियाओं को। इन्हें वरीयता क्रम कहा जाता है, प्रॉपर ऑर्डर, सीनियरिटी क्रम। सहजानुभूति अभिव्यंजना सबसे मूलभूत तथा सबसे प्रथम क्रिया है, इसके बाद भी अवधारणाकरण या तर्क का स्थान आता है, तीसरी अर्थात सामान्य स्वेच्छा चालित क्रियाएं इन दो क्रियाओं के बाद संभव है। व्यक्ति को पहले अनुभूति होती है, सबसे पहले वह सेंसेशन को ग्रहण करता है, अनुभूति होती है, कोई चीज ठंडा है, गर्म है, अच्छा है, बुरा है।
फिर वह तर्क के माध्यम से उस अनुभूति का विश्लेषण करता है, फिर उसका विश्लेषण करने लगता है वो कि यह कैसा है। इस विश्लेषण के सक्षम होने के बाद ही वह आर्थिक क्रियाएं निष्पन्न करने में सफल होता है। विश्लेषण के बाद वह क्या करता है, अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है। इन सब के बाद ही उसकी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंचकर जीवन के नैतिक पक्ष का विवेचन करने में समक्ष होती है। जब इन तीनों प्रक्रियाओं को वह पूरा कर लेता है तब वह नैतिकता के स्तर पर पहुंच जाता है और वह जीवन के नैतिक पक्ष का विवेचन विश्लेषण करने में समर्थ हो जाता है उसकी चेतना। इन चारों क्रियाओं का वरीयताक्रम केवल इनके सापेक्षिक महत्व को ही नहीं दर्शाता बल्कि चेतना में इनकी सक्रियता का क्रम भी इसी प्रकार है, अर्थात दूसरी क्रिया पहली के बाद ही हो सकती है, तीसरी क्रिया दूसरी के बाद और चौथी क्रिया तीसरी के बाद ही। मतलब इनका आपस में महत्व ही नहीं दिखाता है इनका जो ऑर्डर है जो सीरियल है, बल्कि वो यह भी बताता है कि सबसे पहले पहली क्रिया होगी, पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होगी, दूसरी क्रिया के बाद तीसरी क्रिया होगी और तीसरी क्रिया के बाद ही चौथी क्रिया होगी, इनके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रोचे ने इन चारों क्रियाओं में सहजानुभूति अभिव्यंजना को मूलभूत नहीं सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। सौंदर्य शास्त्रीय प्रसंग के लिए यही क्रिया अनिवार्य भी है और पर्याप्त भी। मतलब किसी कृति के सौंदर्य का उद्घाटन करने के लिए सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसके महत्व का प्रतिपादन करने के लिए सहजानुभूति अभिव्यंजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और पर्याप्त भी। कला के लिए न तर्क की जरूरत होती है, न आर्थिक क्रियाकलाप की, न नैतिक प्रतिमान की। मतलब किसी चीज की सुंदरता को यदि आप महसूस करते हैं, जैसे किड्स ने कहा है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। मतलब जैसे कहीं पर कोई गुलाब का फूल खिला हुआ है, कोई बगीचे में आप बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं, कोई नदी पहाड़ झरना पर्वत देख रहे हैं, तो इसकी सुंदरता को महसूस करने के लिए न तो आपको तर्क की जरूरत है, न आर्थिक क्रियाकलाप की, न नैतिक प्रतिमान की। अब हम देखते हैं अभिव्यंजना सिद्धांत क्या है, वास्तव में एक्सप्रेशन का थ्योरी क्या है। क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत चेतना की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया सहजानुभूति अभिव्यंजना पर आधारित है। तो क्रोचे का जो अभिव्यंजना सिद्धांत है, चेतना की चार क्रियाएं आपने देखी, चेतना की चार मूलभूत क्रियाएं होती है और इसकी सबसे पहली क्रिया होती है सहजानुभूति अभिव्यंजना। जो चेतना की जो पहली क्रिया होती है सहजानुभूति अभिव्यंजना, वही क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत का आधार है। उनके अनुसार रचनाकार की सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। उनके अनुसार जो रचनाकार होते हैं उनकी जो सहजानुभूति है, जो इंट्यूशन होता है, वही क्या है, वही अभिव्यंजना है, वही एक्सप्रेशन है। और अभिव्यंजना ही रचना, रचना मतलब क्या होता है, साहित्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, मूर्ति बनाना आदि, और यही रचना क्या होती है, और अभिव्यंजना ही रचना है। सहजानुभूति अभिव्यंजना बन जाती है और अभिव्यंजना ही कहते हैं कि रचना है। यह सहजानुभूति संवेदनों सेंसेशंस के माध्यम से होती है। सहजानुभूति इंट्यूशन कहां से होती है, संवेदनों के माध्यम से, सेंसेशंस के माध्यम से, जो हम पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, इसके माध्यम से हमको सहजानुभूति होती है। इस संकल्पना को पूरी तरह से समझने के लिए संवेदन मतलब सेंसेशन, सहजानुभूति मतलब इंट्यूशन और अभिव्यंजना मतलब एक्सप्रेशन का अर्थ स्पष्ट होना जरूरी है। तो इन सबको समझेंगे तभी हम अभिव्यंजना सिद्धांत को अध्ययन करेंगे। इस विषय पर विचार करने से पहले यह समझना अत्यंत जरूरी है कि क्रोचे कई प्रचलित शब्दों का अपने अलग ही अर्थ में प्रयोग करते हैं और उनकी संकल्पनाओं को विवेचन में प्रयुक्त शब्दों के केवल कोषार्थ के आधार पर नहीं समझा जा सकता। अतः आप संवेदन, सेंसेशन तथा सहजानुभूति की संकल्पना को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहां पर देखा हुआ है कि यहां पर आप चार चीजें देख रहे हैं, संवेदन, फिर सहजानुभूति, फिर अभिव्यंजना। तो इनको समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने कोषगत अर्थ के आधार पर नहीं किया है। वे अपनी संकल्पनाओं में, अपनी अवधारणा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे उसे अपना अलग अर्थ प्रदान करते हैं। तो हमको इसको क्रोचे के दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा कि क्रोचे कहना क्या चाहते हैं। तो पहले देखते हैं संवेदन और सहजानुभूति। संवेदन मतलब होता है सेंसेशन और सहजानुभूति इंट्यूशन। आम बोलचाल में कई बार संवेदन, सेंसेशन तथा अनुभूति, परसेप्शन को एक ही अर्थ में ले लिया जाता है। वास्तव में जो संवेदन है और अनुभूति है दोनों अलग अलग चीजें हैं। संवेदन मतलब जो अचानक से हम सेंसेस जो ग्रहण करते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से,
और परसेप्शन मतलब अनुभूति, यह उससे ज्यादा गहराई की चीज है ना। इसमें हमें थोड़ा तर्क और दिमाग भी लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं परसेप्शन। लेकिन इन्हें एक ही अर्थ में ले लिया जाता है, अर्थात बाह्य उत्प्रेरक के प्रभाव से नेत्र, कान, नेत्र मतलब आंख, कान, त्वचा आदि इंद्रियों या मन में होने वाला अनुभव, इसको बोला जाता है आम जिंदगी में संवेदन या अनुभूति। क्रोचे ने भी इस शब्द को कमोबेश इसी अर्थ में लिया है, किंतु अनुभूति का संबंध जहां अनुभव या चेतना से होता है, वहां संवेदन को क्रोचे ने चेतना से अलग माना है। वास्तव में जो अनुभूति होती है, किसी चीज की हमको अनुभूति होती है, तब उसका अनुभव हमको किसके माध्यम से होता है? चेतना के माध्यम से होता है, कॉन्शियसनेस के माध्यम से होता है। लेकिन जो क्रोचे है, उन्होंने संवेदन को, सेंसेशन को चेतना से अलग माना है, कॉन्शियसनेस से अलग माना है, बल्कि इसे चेतना से पूर्व की क्रिया कहा है। मतलब जब हमारी चेतना जागृत होती है, उससे पहले की क्रिया क्या है? संवेदन है। जब हमारा तर्क और बुद्धि जन्म जागृत होता है, उससे पहले क्या होता है? संवेदन होता है। संवेदन अरूप होते हैं, जिनको रूप तब मिलता है जब चेतना इन्हें पहचानती है। संवेदन अरूप होते हैं मतलब वही, जैसे कोई चित्र को आपने देखा और ऐसे अचानक से चलता फिरता आप देखकर निकल गए, तो यह संवेदन हो गया आपने देखा। लेकिन इनको रूप तब मिलता है जब चेतना इन्हें पहचानती। अब उसको विश्लेषण करते हैं कि जो ग्रेफिटी बना हुआ है दीवार में, जो चित्र बनी हुई है, किस तरह की चित्र है, कैसे बनाया गया होगा, इसका संदेश क्या है, तो यह क्या हो जाए, इसको चेतना इन्हें पहचानती है। जैसे धूम्रपान निषेध, या फिर धूम्रपान निषेध का कहीं पर कुछ बना हुआ है, कोई चित्र बना हुआ है, तो उसको पहले अचानक हम देखते हैं, फिर उसको उसका विश्लेषण करते हैं, यह क्या संदेश देना चाह रहा है। जैसे छोटा परिवार, सुखी परिवार, इस तरह का संदेश हम देखते हैं, तो चेतना इन्हें पहचानती है। इसको इस प्रकार समझें कि खिड़की से ठंडी हवा आकर आपकी त्वचा को छू रही है, खिड़की से बाहर के पेड़ पौधों की हरियाली की छाप भी आपकी आंखों पर पड़ रही है, कहीं बजते संगीत की धुन भी आपके कानों में जा रही है। ये तमाम संवेदन है, सेंसेशंस है, जिन्हें आपकी इंद्रियां, त्वचा, नेत्र, कान आदि ग्रहण कर रही हैं, है ना। आपकी इंद्रियां इन चीजों को ग्रहण कर रही हैं, किंतु आप ना इनके बारे में सोच रहे हैं, ना इनमें अनुभव ही कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान इनकी ओर है ही नहीं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी परीक्षा का समय है, आप पढ़ाई अगर कर रहे हैं और कहीं दूर कोई संगीत बज रहा है, धीरे धीरे उसकी स्वर ध्वनियां आपके कानों में पड़ रही है, लेकिन चूंकि आप अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो आप ध्यान नहीं दे रहे, बस आपको ये लग रहा है कहीं से कोई संगीत का स्वर सुनाई पड़ रहा है, आपका ध्यान इनकी ओर नहीं है। दूसरे शब्दों में आप इन संवेदनों को पहचान ही नहीं रहे, इनके प्रति अचेत हैं। आपसे कोई इनके बारे में पूछे तो आप कुछ बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके संदर्भ में आपका मन निष्क्रिय है। किंतु जब आपकी चेतना इनकी दिशा में सक्रिय होती है, तो आपको इन संवेदनों को उत्प्रेरित करने वाली वस्तुओं का, हवा के शीतल स्पर्श का, पेड़ पौधों की हरियाली का, संगीत का बोध होने लगता है। क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति इस बोध से जुड़ी होती है, अर्थात चेतना के सक्रिय होने पर ही सहजानुभूति हो सकती है। तो क्रोचे का क्या कहना है, जैसे कि आप कहीं पर किशोर कुमार का कोई गाना बज रहा है, नीले नीले अंबर पर, और आप इधर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ाई में बिजी हैं, कहीं पर कोई संगीत का स्वर सुनाई दे रहा है, लेकिन अचानक आप ध्यान देने लगते हैं, अरे ये तो मेरा पसंदीदा गाना है, नीले नीले अंबर पर, है ना, किशोर कुमार का यह गाना है, तब आपकी चेतना क्या होती है, चेतना जागृत हो जाती है, और इसे ही कहते हैं सहजानुभूति। तो सहजानुभूति इस बोध से जुड़ी हुई है कि चेतना जब सक्रिय हो जाती है, तब उन चीजों का आप विश्लेषण करने लगते हैं, यह संगीत किसका है, यह गाना किसका है, तो इसे ही कहते हैं, अर्थात चेतना के सक्रिय होने पर भी सहजानुभूति हो सकती है। इस प्रकार संवेदन, सेंसेशन जिस यथार्थ का संकेत करते हैं, उसी का बोध या परसेप्शन हमें सहजानुभूति के रूप में होती है। मतलब संवेदन क्या है, हमको सिर्फ संकेत करते हैं, और जब हमारी चेतना के आधार पर हम उसको महसूस करने लगते हैं, उसको ध्यान देने लगते हैं, तो यह सहजानुभूति के रूप में होता है। यह बोध चेतना के माध्यम से होता है, और कल्पना वह शक्ति है जो चेतना को इस दिशा में उद्बुद्ध करती है, जगाती है। अब यहां पर कल्पना की क्या भूमिका है, जो हमारी चेतना सोई हुई है, तो उसको कल्पना उसको जगाती है कि उठो, जागो, देखो, महसूस करो, है ना। तो कल्पना का काम चेतना को जगाना है, और जब हमारी चेतना जग जाती है, तब हमको किसी चीज का बोध होने लगता है, ज्ञान होने लगता है। यहां क्रोचे ने बोध या परसेप्शन को बहुत महत्व दिया है। इसे उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण की शक्ति अथवा तथ्य परकता से नहीं, बल्कि विशुद्ध सहजानुभूति से जोड़ा है। तो यहाँ बोध का मतलब यह है कि इतना बहुत गहराई से आप लॉजिक लगा रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं, विश्लेषण कर लगा रहे हैं, वैज्ञानिक की तरह नहीं बनना है। उनका कहना है कि यह सहजानुभूति है, सहज अनुभूति है,
कला के सृजन में यह शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। बोध भावपरक होता है, भावपरक मतलब परसेप्शन इज इमोशनल, बोध जो होता है भावपरक होता है, भावना को ग्रहण करता है और संवेदनों को सहजानुभूति में बदलता है। मतलब इसका क्या काम है, बोध का महत्व क्या है परसेप्शन का, सहजानुभूति को समझना और सहजानुभूति को समझकर उसको सेंसेशन को समझना, है ना। इसका बोध का क्या काम है, परसेप्शन का काम क्या है, सेंसेशन को समझना, संवेदनों को समझना और उसको फिर किसमें परिवर्तित करना, सहजानुभूति में बदल देना, यह इसका काम है परसेप्शन का, बोध का। यह मानस पर संवेदनों के बिंब इमेज के रूप में आता है, वह इस प्रकार के बिंबों के संश्लेषण से ही कला का जन्म होता है। मतलब कैसे होता है, बोध का मान, बोध का कार्य क्या है परसेप्शन का, एक इमेज बना देना हमारे दिमाग में, है ना। जैसे हमने किशोर कुमार का जैसे गाना को सुना था, हमारे दिमाग में एक इमेज बना देता है कि ये किशोर कुमार है, या इस फिल्म में जो नायक ने जो गा रहा है उसका बिंब उभरता है हमारे दिमाग में, किशोर कुमार का गाते हुए बिंब उभरता है, या फिर जिस नायक के ऊपर वह फिल्माया गया है वह इमेज बनता है और इसी के माध्यम से कला का जन्म होता है। सहजानुभूति या अभिव्यंजना के अंतर्गत व्यक्ति को बाह्य जगत के रूप रंग रेखाओं ध्वनियों की प्रतीति होती है। तो सहजानुभूति के माध्यम से हमको क्या पता चलता है, सहजानुभूति अभिव्यंजना के अंतर्गत हमको पता चलता है कि बाहरी जगत में बाह्य जगत का रूप कैसा है, रंग कैसा है, ध्वनि कैसी है, इसको हम महसूस करने लगते हैं। किंतु यह संवेदनों की प्रतीति मात्र होती है, प्रतीति मात्र होती है, खाली इमेज होता है, उनका विश्लेषण या तार्किक ज्ञान नहीं होता है, तार्किक ज्ञान नहीं होता, विश्लेषण नहीं होता, सिर्फ हम उन संवेदनों को महसूस करते हैं। विश्लेषण वर्गीकरण आदि बुद्धि तथा तर्क के स्तर पर होते हैं, जो सहजानुभूति से भिन्न स्तर है। मतलब सहजानुभूति अलग चीज है और तर्क और बुद्धि के माध्यम से हम उसकी अवधारणा का निर्माण करते हैं, जो कि सहजानुभूति से भिन्न स्तर है। सहजानुभूति चेतना की प्राथमिक क्रिया है और यह क्रिया सभी प्राणियों में होती है, इसलिए इसका महत्व भी सबसे अधिक होता है। जिसमें भी चेतना है, चेतन प्राणियों में सहजानुभूति होती है, इसका महत्व भी सबसे अधिक। इस मान्यता का सारूप इस प्रकार है, बाह्य जगत की छाप। तो अभी हमने इसका सारूप में देखते हैं, अभिव्यंजना सिद्धांत है उसका सारूप क्या है। बाह्य जगत की छाप इंद्रियों पर संवेदनों के रूप में पड़ती है। मतलब बाहरी दुनिया को हम कैसे महसूस करते हैं, संवेदनों को या सेंसेशंस के माध्यम से, हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम समझते हैं, महसूस करते हैं। इस स्थिति में चेतना निष्क्रिय रहती है, अतः मानव में इन संवेदनों का कोई बोध नहीं होता। यह प्रथम स्तर है, किसी चीज को हमने देखा, किसी चीज को हमने महसूस किया, तो इस समय हमारी चेतना निष्क्रिय रहती है और संवेदनों का कोई बोध हमें नहीं होता, परसेप्शन नहीं होता। मतलब हम लॉजिक और तर्क जागृत नहीं होता यहाँ पर। कल्पना शक्ति के माध्यम से चेतना सक्रिय होती है और संवेदनों का पहचान करती है। कल्पना शक्ति हमारी चेतना को जगाती है और जब हमारी चेतना जग जाती है तब हम इन संवेदनों को पहचानने लगते हैं, जैसे किसी संगीत को पहचानने लगते हैं कि किसका संगीत है, किसका गाया हुआ गाना है। तो इसको संवेदनों, इन संवेदनों को हम पहचानते हैं जब हमारी कल्पना शक्ति हमारी चेतना को जागृत कर देती है। इसके बाद यह पहचान या बोध ही सहजानुभूति है, और चेतना के माध्यम से जब हम इसको पहचान जाते हैं कि यह किस प्रकार की कलाकृति है, किस प्रकार का संगीत है, तब यह बोध ही क्या होता है, यह पहचान या बोध ही सहजानुभूति है, इसे बोलते हैं इंट्यूशन। सहजानुभूति केवल अनुभूति या प्रतीति है, केवल एक अनुभव है, इसमें बुद्धि तथा तर्क की शक्तियों और विश्लेषण या वर्गीकरण की क्रियाओं का स्थान नहीं होता। तो सहजानुभूति क्या है, सिर्फ महसूस करना है यहाँ पर भी, और सिर्फ अनुभव करना है किसी चीज को, किशोर कुमार के गाना को अनुभव करना है, महसूस करना है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि और तर्क की शक्तियों के माध्यम से हम विश्लेषण या वर्गीकरण नहीं करते हैं। रूप रंग रेखामय बाह्य जगत व्यक्ति को चेतना के माध्यम से अपनी प्रतीति कराता है, अतः चेतना ही अंतिम सत्य है, बाह्य जगत के तथ्य इसके आगे गौण है। अब आप लोगों को यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्रोचे क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। आपको लग रहा होगा कुछ स्पष्ट नहीं लगा, तो इनका विचार ही ऐसा है, मतलब इनके विचार को बहुत भली भांति समझ पाना थोड़ा सा जटिल ही है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहते हैं आप आगे इनके मूल्यांकन में देखेंगे, लेकिन आपको तथ्यों को समझना है कि सहजानुभूति क्या होती है। बाहरी दुनिया की चीजों को आपने सेंसेशंस के माध्यम से, अपने संवेदनों के माध्यम से बाहरी चीजों को आप अपने शरीर में महसूस किया, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस किया, उसके बाद क्या होता है,
कल्पना हमारी चेतना को जागृत कर देती है और जब हमारी चेतना जागृत होती है तब हमको उसका बोध होता है, परसेप्शन होता है, यह किस प्रकार का संगीत है, किस प्रकार का चित्र है, इसे कहते हैं सहजानुभूति। अब ये तीन चार चीजें इन्होंने यहां पर इसका वर्णन किया है, सहजानुभूति, अभिव्यंजना तथा अभिव्यक्ति, यह उसी का हिस्सा है अभिव्यंजना सिद्धांत का। सहजानुभूति मतलब होता है इंट्यूशन, एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यंजना, और अभिव्यक्ति मतलब भी होता है अभिव्यंजना, अभिव्यक्ति मतलब भी होता है एक्सप्रेशन। अंग्रेजी में अभिव्यंजना तथा अभिव्यक्ति के लिए एक ही शब्द है एक्सप्रेशन। सामान्य बोलचाल में अभिव्यंजना को बाहर स्तर की अभिव्यक्ति से जोड़ा जाता है ना, सामान्य बोलचाल में क्या बोला जाता है, अभिव्यंजना को बाह्य स्तर की अभिव्यक्ति से जोड़ा जाता है, मतलब किसी चीज को एक्सप्रेस करना, अर्थात अपनी अनुभूति को कलाकार कविता चित्र मूर्ति वार्ता आदि के रूप में बाह्य जगत में जिस प्रकार मूर्त करता है उसे ही अभिव्यंजना माना जाता है। अभिव्यंजन अर्थात सहजानुभूति मन की अमूर्त प्रतीति होती है और अभिव्यंजना उसकी बाह्य जगत में मूर्त अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यंजना क्या होती है, मानसिक स्तर पर अपनी अनुभूति को, जब कोई कलाकार ने किसी चीज को महसूस किया और उसके आधार पर उसने कोई कविता लिखी, कोई चित्र बना दिया, कोई मूर्ति बना दिया और या फिर शब्दों में ढाल दिया, तो जिस प्रकार से अपनी अनुभूति को वह मूर्त करता है, मूर्त रूप प्रदान करता है, उसे कहते हैं अभिव्यंजना सामान्य रूप में। अर्थात सहजानुभूति मन की अमूर्त प्रतीति होती है, मतलब मन में जो बिंब जो चित्र बना हुआ है, और अभिव्यंजना क्या होती है, उसकी बाह्य जगत में मूर्त अभिव्यक्ति। सहजानुभूति मतलब होता है मन में जो हमारा इमेज बना हुआ है, जो बिंब बना हुआ है, उसको मूर्त रूप प्रदान कर देना अभिव्यंजना होता है, बाह्य जगत में मूर्त अभिव्यक्ति। जैसे आपके मन में कोई चित्र आपका बना हुआ इमेज, उसको आप चित्र बना दिए, मन में कोई भावना, आपके मन में कोई भावना उत्पन्न हुई तो वह सहजानुभूति है। अब उन भावनाओं के आधार पर आपने कविता लिख दी तो वह क्या हो गया, अभिव्यंजना हो गया। इसके विपरीत जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है क्रोचे, लेकिन क्रोचे का क्या कहना है, क्रोचे का कहना है कि सहजानुभूति तथा अभिव्यंजना को अभिन्न और अटूट मानते हैं और ये उनके अनुसार मानसिक स्तर की ही क्रियाएं हैं, बाह्य जगत में इनका मूर्त होना आवश्यक नहीं है। इससे भी आगे जाकर क्रोचे कला को भी अभिव्यंजना के स्तर पर ही पूर्ण मान लेते हैं। लेकिन क्रोचे का कहना क्या है, सहजानुभूति और अभिव्यंजना दोनों एक ही चीज है जो मानसिक स्तर पर ही जन्म लेती हैं, मानसिक स्तर पर ही पूर्ण होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। अर्थात कल्पना के माध्यम से जब संवेदन सेंसेशन चेतना में सहजानुभूति अभिव्यंजना के रूप में उभरते हैं तो इस प्रक्रिया में ही कला भी पूर्ण हो जाती है। कलाकार के मानस में संवेदनाओं के जो बिंब उभरते हैं वे ही सहजानुभूति अभिव्यंजना और वे ही कलाकृति है। अर्थात क्रोचे का यह कहना है कि संवेदनों के माध्यम से चेतना के द्वारा, है ना, संवेदन को हम पहले महसूस करते हैं फिर चेतना के द्वारा वे सहजानुभूति अभिव्यंजना में बदल जाते हैं, मतलब कला का निर्माण हो जाता है मानसिक स्तर पर ही और कला पूर्ण भी हो जाती है। मतलब कलाकार के मस्तिष्क में संवेदनों या सेंसेशंस के जो बिंब उभरते हैं वे ही सहजानुभूति अभिव्यंजना है और वे ही कलाकृति है, मतलब कलाकृति को मूर्त रूप देने की आवश्यकता नहीं है। क्रोचे का कहना क्या है, फिर जैसे कविता लिखने की जरूरत नहीं है, कविता का जो जन्म है वह हमारे मस्तिष्क में होगा, मस्तिष्क में ही वह पूर्ण हो जाएगी, यही अभिव्यंजना है और वही कलाकृति है, यही सहजानुभूति अभिव्यंजना है। इस प्रकार कला सहजानुभूति अभिव्यंजना से अभिन्न है, अटूट है। अर्थात सहजानुभूति और अभिव्यंजना दोनों एक ही चीज है और कला भी एक ही चीज है, मतलब कला सहजानुभूति और अभिव्यंजना तीनों एक ही चीज है, तीनों समानार्थी है क्रोचे के हिसाब से। अर्थात सूत्र रूप में सहजानुभूति अभिव्यंजना अर्थात कला है, इसे इस प्रकार समझते हैं, सहजानुभूति का अर्थ है अभिव्यंजना, अभिव्यंजना का अर्थ है कला। सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है और अभिव्यंजना ही कला है, मतलब तीनों एक जैसे हैं। यह पूरी प्रक्रिया या मानसिक या अभ्यंतर भीतरी स्तर पर घटित होती है और वहीं पर भी पूर्ण हो जाती है। तो जैसा आप देखते हैं एक 1942 से लव स्टोरी करके एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, तो उसमें एक गाना था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो इसका एक मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं तो आप इसको भली भांति समझ पाएंगे कि सहजानुभूति क्या है, अभिव्यंजना क्या है और कला क्या है। जैसे कि कोई नायक है ना, कोई नायक या कोई हीरो है, एक बहुत पतली गली से चला जा रहा है अपनी बाइक पर, अचानक ही उसके ऊपर
कुछ ऊपर से गिरता है तो वह हड़बड़ा जाता है, अपनी बाइक रोक लेता है। फिर जब सिर उठाकर वह देखता है, फिर वह रुक जाता है, अपनी बाइक को वह रोक लेता है। तो बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर कुछ कपड़ा गिरा है, और कपड़ा क्या गिरा हुआ, एक चुन्नी है। फिर वह चुन्नी को हटाता है तो पहले जो उसको अचानक से जो हड़बड़ा जाता है तो वह सहजानुभूति है। बाइक को रोकने के पहले उसके ऊपर जो कपड़ा गिरा है तो वह क्या है, रुक जाता है, बाइक को रोक लेता है, या उसकी सहजानुभूति है, उसे लगा कि अचानक उसके ऊपर से कुछ गिरा। इसके बाद फिर अभिव्यंजना क्या है, वो चुन्नी को वह हटाता है, चुन्नी से क्या है उसको खुशबू आती रहती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, उसको महसूस करता है कि एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा उसके ऊपर गिरा है, वह एक चुन्नी है, चुनरी है किसी लड़की की। अब वह सिर ऊपर उठाकर देखता है, सिर ऊपर उठाकर वह क्या देखता है कि वहां पर एक नायिका है जो कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर आई थी, लेकिन हवा के झोंके से उसका चुनरी किसके ऊपर गिर जाता है, नायक के ऊपर गिर जाता है। अब यह जो नायक है, जब वो नायिका और नायक की जब नजरें मिलती हैं तो नायक के मन में यह गीत बरबस ही फूट पड़ता है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे 1942 लव स्टोरी में आपने देखा। यह क्या हो गई, अभिव्यंजना हो गई, है ना, उसके मन में एक कविता ने जन्म ले लिया। तो यह हो गई उसकी अभिव्यंजना और कला। अब यह जो कविता है ना, यह कविता क्या होता है, कविता उसके मन में जन्म लिया, कविता ने कविता वहां पर पूर्ण भी हो गई, उसे उसने लिखा नहीं, तो यह है कला। तो आप समझ सकते हैं, जब उसके ऊपर चुनरी गिरी अचानक से तो उसको महसूस हुआ कि उसके ऊपर कुछ गिरा है, यह हो गया सहजानुभूति। उसके बाद उसने विश्लेषण करना शुरू किया, चुनरी, पहले चुनरी को देखा कि यह तो चुनरी है, किसी लड़की की चुनरी है, फिर उसने ऊपर देखा, तो यह क्या हो गया, अभिव्यंजना हो गई, कि वह अपने दिमाग लगाने लगा। और जब उसकी नायिका से नजरें मिली तब उसके मन में एक कविता ने जन्म लिया, और कविता ने जन्म लिया और कविता पूर्ण हो गई मानसिक स्तर पर, यह हो गया कला। यह पूरी प्रक्रिया मानसिक या आभ्यंतर स्तर भीतरी स्तर पर घटित होती है और वहीं पर भी पूर्ण भी हो जाती है। मतलब नायक ने किसी कविता को लिखा नहीं, कविता ने उसके मस्तिष्क में ही जन्म लिया, और इसके 3 स्टेज थे, सहजानुभूति, अभिव्यंजना और कला। मतलब यह जो कला है, इस कविता का जन्म मस्तिष्क में हुआ और मस्तिष्क में ही हुआ, पूरी हो गई, यही है। मतलब अभिव्यंजना, सहजानुभूति, अभिव्यंजना और कला तीनों एक ही चीज है। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसको। बाह्य जगत के स्तर पर, बाह्य जगत के स्तर पर शब्दों, आकारों, रंगों या रेखाओं में इसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप कविता को शब्द दें या किसी मूर्ति का निर्माण करें या रंगों का निर्माण करें, यह जरूरी नहीं है, उसे मूर्त रूप देना जरूरी नहीं है। यदि कलाकार उसे बाह्य जगत में कविता, चित्र, मूर्ति आदि के रूप में व्यक्त करता भी है तो वह एक अतिरिक्त क्रिया है, और वह आर्थिक क्रियाओं की भांति व्यवहारिक क्रियाओं के क्षेत्र में आती है। मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर हम उसको ऐसा व्यक्त कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह आर्थिक क्रिया व्यवहारिक क्रिया जैसी बन जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्रोचे अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति को भिन्न अलग अलग मानते हैं। मतलब क्रोचे का कहना है अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति अलग अलग चीजें हैं। जो अभिव्यंजना है वो मानसिक स्तर पर पूर्ण हो जाती है, और अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति को मूर्त रूप लेना आवश्यक होता है। अभिव्यंजना होता है जैसे कविता, मानसिक स्तर पर कविता लिखी गई तो अभिव्यंजना हो गई, लेकिन आप उसे लिख देते हैं, पेन पेपर पर लिखते हैं, तो वह हो गई अभिव्यक्ति। क्रोचे के अनुसार कला को वे अभिव्यंजना के स्तर पर ही पूर्ण मान लेते हैं, मानसिक स्तर पर ही वे कला को पूर्ण मान लेते हैं। बाह्य जगत में कला वस्तु के रूप में उसकी अभिव्यक्ति को वे अतिरिक्त और अनावश्यक क्रिया मानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि अभिव्यंजना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता नहीं है, वह एक अनावश्यक और अतिरिक्त क्रिया है। क्रोचे के विचारों के अध्ययन से इस मान्यता के 2 प्रमुख कारण उभरते हैं। एक कारण तो यह है कि कला के लिए सहजानुभूति अभिव्यंजना अनिवार्य है, इसके बिना कला का सूत्रपात नहीं हो सकता, अतः इसका महत्व और अपरिहार्यता अपने आप में ही सिद्ध है। मतलब उनका कहना है कि सहजानुभूति या अभिव्यंजना के बिना कोई कला जन्म नहीं ले सकती, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण यह है कि कला जब बाह्य जगत में अभिव्यक्त होती है तो कलाकार की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। मतलब जब कला को हम मूर्त रूप प्रदान कर देते हैं तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वह पब्लिक डोमेन में आ जाती है। उस पर सामाजिक, नैतिक, उपयोगिता संबंधी, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक क्षेत्रों के नियमों का दबाव पड़ने लगता है। इस दबाव के तहत वह मुक्त सृजन नहीं कर सकता, उसे विभिन्न अनुशासनों तथा
वर्जनाओं के अंतर्गत अपनी कला को सचेत भाव से संवारना पड़ता है। उस दशा में कला सहज सौंदर्य दृष्टि न रखकर सामाजिक उपभोग के लिए एक उपयोगी वस्तु मात्र बनकर रह जाती है। यह सौंदर्य शास्त्र से हटकर समाज शास्त्र के क्षेत्र में आ जाती है। यह समाज के सदस्यों को आनंद देती है और अथवा उनका नैतिक परिष्कार भी करती है। मतलब जैसे किसी कवि ने कोई कविता लिख दिया, अब जैसे कविता लिखा तो वह समीक्षा जगत में आ गई। मानसिक स्तर पर है तो किसी को पता नहीं है। जैसे नायक के मन में किसी कविता ने जन्म लिया तो अब नायक के दिमाग में ही है, तो वह किसी को पता नहीं है कि क्या उसके मन में क्या बातें आई। लेकिन जैसे उसने कविता लिख दिया तो वह क्या है, हमारी जिंदगी में आ गई, मूर्त रूप ले लिया। अब मूर्त रूप ले लिया तो वह किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को लगेगा कि नैतिक दृष्टि से सही है। अब एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अब कैसी कैसी चीजों से उसका तुलना किया जा रहा है, तो किसी को वह अच्छा भी लग सकता है, किसी को खराब भी लग सकता है। तो इस दशा में जो कला है वह केवल सौंदर्य की वस्तु न रहकर क्या हो जाती है, सामाजिक उपयोगिता की वस्तु बन जाती है और नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उसका मूल्यांकन होना लगता है, मूल्यांकन करने लगते हैं लोग। तो सौंदर्य शास्त्र से उस कृति का संबंध इतना ही होता है कि कृतिकार के मन में सहजानुभूतियों को वह भौतिक रूप से संरक्षित करके रखती है और उन्हें फिर से उभारने में स्मृति की सहायता करती है। वह इस प्रकार स्मृति की उद्दीपक हो जाती है। लेकिन सौंदर्य शास्त्र से जो कृति है, जैसे जो कविता है, उसका क्या महत्व है कि वह भौतिक रूप ले लेती है, मूर्त रूप ले लेती है और समय समय पर जब कोई कवि उस कविता को दोबारा पढ़ता है तो उसकी स्मृतियां फिर से दोबारा से जीवंत हो जाती हैं। मतलब जिस चीज को देखकर उसने कविता लिखा है उसकी स्मृति जीवंत हो जाती है। इस प्रकार वह स्मृति को जगाने वाली होती है और उसकी स्मृतियों को भौतिक रूप से संरक्षित रखती है। जैसे डायरी लेकर आप डायरी लिखते हैं, आपके जीवन में कुछ घटना हुई, आपने डायरी में उसको लिख लिया, बाद में जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पुरानी घटना याद आएगी। अर्थात कला के लिए सबसे पहली और व्यापक शर्त है संवेदन, सेंसेशन। किसी कला के निर्माण के लिए सबसे पहले हमको अनुभूति होनी चाहिए, सेंसेशन होना चाहिए। संवेदनों में जब चेतना की क्रिया या कल्पना का योग होता है तो वे सहजानुभूति अभिव्यंजना में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब हमको जो संवेदन को महसूस करते हैं, संवेदन को, सेंसेशन को, उसमें जब चेतना कब जन्म लेती है, कल्पना के माध्यम से चेतना उसमें जन्म लेती है और चेतना की क्रिया या फिर कल्पना के माध्यम से वह किसमें परिवर्तित हो जाती है, सहजानुभूति अभिव्यंजना में परिवर्तित हो जाती है। क्रोचे कला की प्रक्रिया को इसी स्तर पर पूर्ण मान लेते हैं। रचनाकार शब्द, रंग, कुची, छेनी, वाद्य यंत्र आदि रूपंकर उपकरणों के माध्यम से इनमें से कुछ सहजानुभूतियों को बाह्य जगत में काव्य, चित्र, मूर्ति आदि के रूप में अभिव्यक्त भी कर सकता है, किंतु कुल अनुभूतियों, सहजानुभूतियों की अपेक्षा इस प्रकार मूर्त रूप में अभिव्यक्त होने वाली अनुभूतियों की संख्या बहुत ही कम होती है। मतलब क्रोचे के अनुसार यह क्रिया मानसिक स्तर पर भी पूर्ण हो जाती है, लेकिन यदि कलाकार यदि चाहे तो वह रंग के माध्यम से, कुची के माध्यम से चित्र भी बना सकता है, छेनी हथौड़े के माध्यम से मूर्ति भी बना सकता है, वाद्य यंत्र के माध्यम से संगीत का भी सृजन कर सकता है, कविता लिख सकता है। तो वह इनमें से कुछ सहजानुभूतियों को वह मूर्त रूप प्रदान कर सकता है, उन्हें अभिव्यक्त भी कर सकता है, परंतु जितनी सहजानुभूतियां होती हैं उनको इस प्रकार मूर्त रूप में बहुत ही कम अभिव्यक्त किया जाता है। मतलब बहुत सारा हमारे मन में ही रह जाता है, बहुत सारी बातें हमारे मन में ही रह जाती हैं। अब कला के सृजन की प्रक्रिया क्या है, वही कला कैसे जन्म लेती है, कला का सृजन कैसे होता है, इस पर भी इन्होंने विचार किया है। तो अब तक संवेदन, सहजानुभूति अभिव्यंजना तथा अभिव्यक्ति के संबंध में जो चर्चा हुई है उसके आधार पर समझा जा सकता है कि क्रोचे की दृष्टि में कला की सृजन की प्रक्रिया क्या है। अभी तक आप समझ चुके हैं कि कला कैसे जन्म लेती है, कला का सृजन कैसे होता है। इसे आगे और भी स्पष्ट करने के लिए क्रोचे कला सृजन की चार प्रक्रिया के चार चरणों का उल्लेख करते हैं। आगे हमको बताते हैं क्रोचे कि कला के सृजन की जो प्रक्रिया है वह चार चरणों में होती है, संपन्न होती है। पहला है, पहले चरण का संबंध अमूर्त संवेदनों के स्तर पर होता है। इस चरण में बाह्य जगत के उद्दीपन व्यक्ति के संवेदनों को छूते हैं किंतु उसे इनका बोध नहीं होता है। जैसे ठंडी हवा का झोंका हमको छू लिया, हमने किसी चित्र को देख लिया, नायक के ऊपर नायिका की चुनरी गिर गिरती है, तो अचानक से जो घटनाएं होती हैं, तो यह पहला चरण हो गया। इसका उसे उसका बोध नहीं होता, ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो अचानक से होता है, स्वाभाविक रूप से होता है।
दूसरे चरण में कल्पना के माध्यम से उसकी चेतना सक्रिय होती है और उसे उन संवेदनों का, कहना चाहिए कि उनमें से कुछ संवेदनों का बोध होने लगता है और इस बोध के साथ ही उन संवेदनों के संश्लेषण तथा अन्वय की क्रिया भी जुड़ी रहती है। यह सहजानुभूति अभिव्यंजना का स्तर है। यह कौन सा स्तर है? दूसरे चरण में कल्पना के माध्यम से चेतना सक्रिय होती है। जैसे नायक के ऊपर जो चुनरी गिरी और चुनरी जब गिरी तो फिर गाड़ी रोक कर जब उसने महसूस करना शुरू किया कि यह किसी लड़की की चुनरी है, इसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, मतलब उसकी चेतना जागृत हो गई, तो यह दूसरा स्टेज है। तो यह स्टेज है सहजानुभूति अभिव्यंजना का। और तीसरे चरण में दूसरे चरण वाले संश्लेषण और अन्वय के माध्यम से तीसरे व्यक्ति के मानस में उन संवेदनों के बिंब बन जाते हैं और मन ही मन में वह शब्द योजना, रेखाओं या आकार की परिकल्पना या संगीत की स्वसंगतियों के माध्यम से कलाकृति रच लेता है। इस स्थिति को क्रोचे ने प्रगितात्मक सहजानुभूति का नाम दिया है। कला इसी स्तर पर पूर्ण हो जाती है। अब जब यह तीसरा स्टेज है कि नायक जान गया है कि यह नायिका की चुनरी है ना, नायक समझ गया है कि यह चुनरी जो है किसी नायिका की चुनरी है, तो अपने चेहरे से उसको हटाता है और वह देखता है कि किसकी चुनरी है। अब उसकी नजरें ऊपर नायिका से मिलती है, तो जब नायिका से उसकी नायिका से जब उसकी नजर मिलती है नायक की, तब वह एक कविता उसके दिमाग में जन्म लेती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा 1942 लव स्टोरी 1942 लव स्टोरी फिल्म का यह गाना है, इसको आप जरूर देखें, तो तब आप समझ पाएंगे कि मैं आपको वास्तव में कहना क्या चाहता हूं। तो यहां पर उसके दिमाग में उसने कविता रच लिया, मानसिक स्तर पर उसने कविता रख लिया है ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे मंदिर में, बहुत सारे उसने वहां पर तुलना किया हुआ है। इस स्थिति को क्रोचे क्या बोलते हैं? प्रगितात्मक सहजानुभूति, लिरिकल इंट्यूशंस, प्रगितात्मक सहजानुभूति का नाम दिया। और कला इसी स्तर पर पूर्ण हो जाती है। मतलब नायक ने कोई कविता नहीं लिखी, कविता उसके मानसिक स्तर पर, कविता ने जन्म लिया और कविता वहीं पर पूर्ण हो गई। यह तीसरा चरण है। और चौथा चरण इसलिए वैकल्पिक है, अर्थात इसके होने ना होने से कला के सर्जन में कोई अंतर नहीं पड़ता। इस चरण में मानसिक स्तर पर पूर्ण कला काव्य, चित्र, मूर्ति आदि के रूप में बाह्य जगत में अभिव्यक्ति होती है। अब यदि नायक का मन हुआ तो घर आकर वह उस कविता को लिख लेता है अपनी डायरी में, तो यह चौथा स्तर है और यह वैकल्पिक है, क्योंकि कला तो मानसिक स्तर पर पूर्ण हो चुकी है, कविता उसके दिमाग में रची जा चुकी है। यदि वह चाहे तो यह उस कविता को अपनी डायरी में लिख भी सकता है। अब वह लिखे चाहे ना लिखे, कला तो अपने आप में मानसिक स्तर पर पूर्ण हो चुकी है, कविता मानसिक स्तर पर पूर्ण हो चुकी है। लेकिन चौथे स्तर पर जब यदि वह उस कविता को लिख लेता है, मूर्त रूप प्रदान कर लेता है, तब क्या है, बाह्य जगत में उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, कोई भी उसे पढ़ सकता है। कलावाद में कला को समाज, इतिहास आदि से पूर्ण निरपेक्ष स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखा गया है। एक कलावाद करके आंदोलन आया हुआ था। कलावाद में क्या कहा गया, जो कला है वह समाज और इतिहास से अलग है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। अर्थात कला का उद्देश्य केवल कला का सृजन मानते हुए कला कला के लिए को आदर्श वाक्य माना गया है, परंतु कलावाद ने बाह्य जगत में कला की स्थिति को नहीं नकारा था। एक कलावाद करके सिद्धांत आया था जिसका कहना था आर्ट फॉर आर्ट से, मतलब कला सिर्फ कला के लिए है, उसका कोई सामाजिक कोई उद्देश्य नहीं है, कोई सामाजिक प्रयोजन नहीं है कि वह लोगों को नैतिक रूप से मजबूत करे, मतलब समाज से उसका कोई सरोकार नहीं है, धर्म से, राजनीति से, जीवन से उसका कोई सरोकार नहीं है, कला का संबंध सिर्फ कला से है। लेकिन इसके बावजूद भी इसने बाहरी दुनिया को नकारा नहीं था, जैसा कि क्रोचे ने पूरी तरह से नकार दिया था। परंतु क्रोचे ने क्या किया, क्रोचे इस सीमा से भी आगे बढ़कर कला को अमूर्त मानसिक स्तर पर ही पूर्ण मान लेते हैं। लेकिन क्रोचे क्या बोलते हैं, क्रोचे उससे भी आगे बढ़ गए। क्रोचे का कहना यह है, जो कला है वह मानसिक स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है और बाहरी जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है। कला का मूर्त रूप लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कला मानसिक स्तर पर ही पूर्ण हो जाती है। जैसे कोई कविता है, मानसिक स्तर पर भी कोई कविता पूर्ण हो जाती है, जरूरी नहीं है कि उसे लिखा जाए। अभिव्यंजना सिद्धांत का अब सार क्या है देखते हैं। ऊपर चेतना की चार प्रक्रियाओं का उल्लेख हुआ है। इसमें उल्लेख किया गया है कि अभिव्यंजना सिद्धांत का आधार उनमें से पहली क्रिया अर्थात सहजानुभूति अभिव्यंजना है। मतलब सबसे पहली क्रिया महत्वपूर्ण है और यही अभिव्यंजना सिद्धांत का सार है, सहजानुभूति अभिव्यंजना। इस संदर्भ में हमने संवेदन तथा सहजानुभूति के अंतर पर विचार करते हुए देखा कि बाह्य जगत की जो छाप हमारे इंद्रियों पर पड़ती है वह संवेदन होती है। बाहरी दुनिया को हम जैसा देखते हैं अचानक से,
और उसको महसूस करते हैं वह क्या है, संवेदन है। इस चरण पर हमारी चेतना निष्क्रिय होती है, हम हमारी जो चेतना है, बुद्धि है, तर्क, उस समय कॉन्शियसनेस निष्क्रिय होती है, हम साधारण रूप से हम चीजों को महसूस करते हैं, अतः हमें उन वस्तुओं तथा स्थितियों का बोध नहीं होता। क्योंकि हमारी चेतना निष्क्रिय है इसलिए हम उनको सिर्फ महसूस करते हैं, सेंसेशन को ज्यादा ध्यान नहीं देते। कल्पना शक्ति की सहायता से जब हमारी चेतना सक्रिय हो जाती है तब हमें इन संवेदनों का बोध होता है और यही बोध सहज अनुभूति है। जैसे हमारे कान में अचानक कोई आवाज पड़ी, कोई संगीत, तब हम सिर्फ यह समझ रहे हैं कि कहीं पर कोई संगीत बज रहा है, लेकिन जब कल्पना के माध्यम से जब हमारी चेतना जागृत हो जाती है तब हमको पता चलता है कि अरे यह तो किशोर कुमार का गाना है, नीले नीले अंबर पर। और यही जो बोध होता है यह सहजानुभूति है। यह बोध या सहजानुभूति केवल अनुभूति या प्रतीति होती है, लेकिन इस समय क्या हम सिर्फ इसको अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। इसमें बुद्धि, तर्क या विश्लेषण का कोई स्थान नहीं होता, जो चेतना की एक भिन्न क्रिया के अंतर्गत आता है। परंतु इस समय भी हम बहुत ज्यादा उसका एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि ज्यादा जो विश्लेषण है या तर्क या बुद्धि का विषय है कि अभी नीले नीले नंबर में जो यह गिटार बज रहा है वह कौन सा गिटार है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार है कि क्या है, इसका संगीतकार कौन है, कौन सी फिल्म से लिया गया है, इसके ऊपर फिल्माया गया है ना, किस राग पर आधारित है, तो ये अलग चीज है, यह चेतना की एक भिन्न क्रिया है। इसके बाद हमने देखा कि क्रोचे सहजानुभूति तथा अभिव्यंजना को अभिन्न मानते हैं। क्रोचे का यह मानना है कि सहजानुभूति और अभिव्यंजना दोनों ही एक ही चीज है, और अभिव्यक्ति को इससे भिन्न, और अभिव्यक्ति को वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति एक अलग चीज है। सहजानुभूति अभिव्यंजना मानसिक स्तर की क्रियाएं हैं और अभिव्यक्ति बाह्य जगत में इनका मूर्त प्रस्तुतिकरण। जैसे कविता है, यदि कविता मानसिक स्तर पर जन्म लेती है, मानसिक स्तर पर पूर्ण हो जाती है दिमाग में, तो वह सहजानुभूति अभिव्यंजना है, उसके कारण हो रहा है। और अभिव्यक्ति क्या है, कविता को लिख देना, मतलब अभिव्यक्ति क्या हो गई, बाह्य जगत में कविता का मूर्त प्रस्तुतिकरण। उस कविता को आप कोई भी पढ़ सकता है, इसे वे कहते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब कला को मूर्त रूप प्रदान कर देना, और सहजानुभूति अभिव्यंजना मतलब कला को मानसिक स्तर पर पूरा करना, पूर्ण करना। क्रोचे के अनुसार कला सृजन की प्रक्रिया मानसिक स्तर पर ही बिंब विधान के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। बिंब विधान मतलब इमेज का निर्माण हो जाता है, और मानसिक स्तर पर ही कला का सृजन हो जाता है। बाह्य जगत में काव्य, चित्र, संगीत, मूर्ति आदि के रूप में उसकी अभिव्यक्ति एक अतिरिक्त और अनावश्यक क्रिया है। मतलब किसी भी कला को, किसी को चित्र चित्र बनाना, संगीत बनाना, संगीत का निर्माण करना, कंपोज करना, म्यूजिक, मूर्ति बनाना आदि कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यदि यह किया भी जाता है तो यह अनावश्यक है और अतिरिक्त है, इसकी जरूरत नहीं है। इसे क्रोचे अवांछनीय भी मानते हैं, मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि यह बाह्य जगत में अभिव्यक्ति प्रदान कर देते हैं हम किसी कला को, तो क्या होगा, कला पर अनेक सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक आदि अनुशासनों के नियंत्रण लागू होने लगते हैं, और उसका स्वतंत्र स्वरूप तथा स्वायत्तता नष्ट हो जाती है। यह कला न रहकर उपयोगिता की एक वस्तु बन जाती है। जब हम कला को मूर्त रूप प्रदान कर देते हैं, जब वो कला आम जनता के बीच में आ जाती है, पब्लिक डोमेन में आ जाती है, तब क्या हो जाता है, उस पर समाज के जितने नियम कानून है, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक आदि नियम कानून उस पर लागू हो जाते हैं, और जो कला की जो स्वतंत्रता है, जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और यह कला न रहकर उपयोगिता की वस्तु बन जाती है, मतलब उपयोग की वस्तु बन जाती है, कला का सौंदर्य जो होता है वह समाप्त हो जाता है उनके अनुसार। अंत में यह सार रूप में कला की सृजन प्रक्रिया के चार चरणों का विवेचन किया गया है। पहला चरण अमूर्त संवेदनों का है। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जो हमको दिखाई नहीं देते, जैसे सेंसेशंस के माध्यम से जिन चीजों को हम महसूस करते हैं, दो जो संवेदन है, सेंसेशन हमें अमूर्त होते हैं, जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां जिसको महसूस करती हैं। दूसरे चरण में कल्पना के प्रभाव से चेतना सक्रिय हो जाती है, और अमूर्त संवेदन अनुभूति प्रतीतियों या सहजानुभूति अभिव्यंजना में बदल जाते हैं। जिन संवेदनों को हम महसूस करते हैं, उसके बाद क्या होता है, संवेदनों को महसूस करने के बाद जो हमारी चेतना है, जो हमारी कल्पना है, वो हमारी चेतना को जागृत कर देती है और इसे सहजानुभूति अभिव्यंजना में बदल देती है। तीसरे चरण में बिंब विधान के माध्यम से मानसिक स्तर पर कला सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तीसरे चरण में क्या हमारे मन में बिंब बनता है, इमेज बनता है, कोई कविता का सृजन होता है, कविता हम लिख लेते हैं मानसिक स्तर पर, और इस तरह कला सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और चौथे चरण में कलाकृति बाह्य जगत में मूर्त रूप से अभिव्यक्त हो जाती है। चौथा चरण क्या होता है, जैसे कविता को लिख लिया गया,
स्वयं मूर्त रूप से कविता को लिख लिया गया, लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो चौथे चरण में कलाकृति क्या है, बाह्य जगत में मूर्त रूप ले लेती है। यह चरण वैकल्पिक है, यह चरण क्या है, वैकल्पिक चरण है, अर्थात इसके बिना भी कलाकृति अपने आप में पूर्ण हो जाती है। मतलब यदि कलाकार या कवि, कवि यदि चाहे तो कविता को लिखे उसके ऊपर है, यदि चाहे तो ना लिखे, अर्थात यदि यह कविता नहीं भी लिखता है तब भी कलाकृति आपस में वास्तव में कलाकृति जो है पूर्ण हो चुकी है। तो यह बात है। आज का जो यह मेरा टॉपिक है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, यह बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे दो भागों में बनाया है, इसलिए आप इसका दूसरा भाग भी देखना ना भूलें। साथ ही ये दोनों ही वीडियोस के लेक्चर में आपको मेरा यह जो लेक्चर है इसका पीडीएफ, नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और भाग दो जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ यदि आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.